से ग्रस्त लोग, कोरोना से लाचार लोगों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, खनन घोटाले के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही थी, हर प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था, हमने भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की लड़ाई में हम सब साथ हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। उस समय सत्तासीन लोग, सत्ता में काबिज लोग, कोरोना से की व्यवस्था से लाचार हरियाणा के नागरिकों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, उसकी योजनाएं बना रहे थे, जिसकी परतें अब सामने आ रही। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस निश्चित तौर से जितना कोरोना पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो ध्यान वो तो कोई एजेंडे में था ही नहीं इस सरकार के, जिसका जो है मैं समझता हूँ कि परिणाम जो आपने ये बात की। तो कोरोना की तरफ जितना ध्यान संवेदनशीलता से पूरा फोकस कोरोना पे होना चाहिए था, मगर नियत सरकार में बैठे लोगों की, उस समय भी कोरोना के समय भी जब दुनिया की हर सरकार केवल कोरोना की सोच रही थी, ये सत्तासीन लोग इस प्रकार के घोटालों की तरफ। क्या लगता है कि विपक्ष मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि व्यवस्था बदलनी है, कांग्रेस आंख मूंद कर बैठी रहती थी। ये इन्होंने एक बात कही साहब ने कि ये जो तीनों घोटाले अब ला रहे हैं। देखिए तो अभी लड़ाई इस बात की है, जहाँ तक रजिस्ट्री घोटाले की बात है, कि घोटाला केवल कोरोना में हुआ या 3 साल से चल रहा था। तो ये घोटाले की टाइम पीरियड पे लड़ाई है, 3 साल पहले भी इनकी सरकार थी, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस समय तो मंत्री भी इन्हीं की पार्टी के थे। उस टाइम जो है पूर्व वित्त मंत्री के पास ही महकमा था, तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मगर रजिस्ट्री घोटाला इतने बड़े स्तर पे हुआ है, और मैं इसमें एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटालों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगभग हरियाणा के सारे शहरों के तहसीलदार एक साथ कोरोना में बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के NOC के रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दें, वो किसी एक तहसीलदार का, जिन पर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं तहसीलदार, वो किसी एक तहसीलदार का तो कसूर जो है मैं कहता हूँ सबका कसूर है, मगर किसी एक उस षड्यंत्र में एक तहसीलदार शामिल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना सारे जिलों के तहसीलदार ऐसे रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दें संभव नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब जांच को आप इतना गोलमोल कर दो, उसका इतने लंबे जो है पीरियड पर जाँच कर लो, और किस तरीके से पर्दा डालने की तरफ कदम बढ़ाओ, उसकी मुझे प्रक्रिया लगती है कि जो जांच उतना लंबा किया जाए। ये घोटाला तो कोरोना के टाइम जो बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की NOC के जो रजिस्ट्रिया की गई कोरोना के समय, और हजारों करोड़ का चूना प्रदेश सरकार की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को लगाया गया, ये वो घोटाला है। और मैं इसमें सिमिलैरिटी ये बता रहा हूँ, क्या इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए आपको कोई जांच आयोग बिठाने की जरूरत नहीं। हमारी मांग है वैसे कांग्रेस पार्टी की कि आप सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराओ, क्योंकि जांच एजेंसियों पे हमारा कोई विश्वास नहीं रहा। मगर आपको अगर पता कराना है कि कौन घोटालों के पीछे, तो शराब घोटाले के लिए तो आप कोई भी प्रदेश में किसी भी शराब के ठेके के पास कैमरा और माइक लेके आप लोग जा सकते हैं, और जो शराब लेने जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कोरोना के टाइम में 3 और 4 गुना महंगी शराब कौन ठेकेदार सप्लाई आपको कर रहा था, और वो किसकी संरक्षण में कर रहा था, वो किस तक मंथली पहुंचा रहा था, हिस्सा किस तक पहुंचा रहा था, सब आपको बता देंगे। हमें बताने क्या नाम लेंगे आप जाके चेक कर। दूसरी बात रजिस्ट्री घोटाले में तो मैंने कहा दोनों सिमिलर है, रजिस्ट्री घोटाले में आप तहसीलों में जाके चेक करें शहर में कि भाई जो तहसीलदार ये रजिस्ट्रिया कर रहे थे वो किसके पास मंथलिया पहुंचा रहे थे, कौन मंथली कलेक्ट कर रहा था, वो तहसीलदार खुद कर रहे थे या किस राजनेता के पास पहुंचा रहे थे, आप जाके चेक करें। क्या लगता है पुराना सिस्टम शुरू हो गया दोबारा से? ये जो है हरियाणा जो जिस प्रकार से मैंने कहा कि विकास दर हरियाणा में जो था वही दोबारा आना चाहिए, पुराना सिस्टम वही आना चाहिए। पुराने सिस्टम की मैं बात करूँ, पुराना सिस्टम वही आना चाहिए कि 5 और 6 हज़ार रुपये धान हरियाणा किसान का बिके। पुराना सिस्टम वही आना चाहिए खेल खिलाड़ियों में हरियाणा देश में नंबर 1 हो। पुराना सिस्टम वही आना चाहिए कि हरियाणा के अंदर सबसे कम
बेरोजगारी हो। पुराना सिस्टम वही आना चाहिए कि पिछली बार जिस प्रकार से हमारी सरकार में 18 यूनिवर्सिटियाँ बनी और 6 मेडिकल कॉलेज बने, उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी मेडिकल से सिस्टम आना चाहिए। पुराना सिस्टम वही आना चाहिए जैसे 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया, 6 साल में एक भी खंभा मेट्रो का नहीं बना इनकी सरकार में। उस मेट्रो को आगे भी 4 शहर मेट्रो से जुड़े, अपना सोनीपत वाले मेट्रो आगे पानीपत तक पहुँचे। वो सिस्टम हरियाणा के अंदर था ताकि हरियाणा आगे जाए, किसान को भाव मिले, गरीब आदमी का की कल्याणकारी योजनाएं लागू हों, उसी की हमारी लड़ाई है। आपको लगता है रिवेन्यू जो एक्ट है